पृथ्वी लोक में एक दिन ऐसा आएगा कि जब सुहागने तुम्हें देखकर अपना व्रत तोड़ेंगी। आखिर वो कौन सी घटना घटी, वो कौन सा दृश्य प्रस्तुत हुआ कि स्वयं विष्णु भगवान ने चंद्रमा जी को ये वरदान दे दिया कि जब भी करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा तो चंद्रमा तुम्हें देखे बिना कोई भी सुहागिन महिला व्रत कभी भी नहीं तोड़ेगी। आइए सुनिए, बड़ा प्यारा सा भजन प्रस्तुत होने जा रहा है, सुनिएगा। बोलिए दुर्गा मैया की। और उत्कर्ष भैया, उत्कर्ष भैया आवाज सुन रहे हो तो संपर्क करें उत्कर्ष भैया। बोलिए दुर्गा मैया की। अच्छा बताइए कौन कौन ये भजन सुनेगा, वो लोग जरा सीधे सीधे हाथ उठाएं। आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई, शक्ल से तो शादीशुदा लग रहे हो। और आप में से भैया इनकी हो गई? अरे ये भाई हमारे बहुत ही अच्छे मित्र, हमारे अनुज भ्राता भी हैं, आदरणीय सुरजीत जी भदौरिया साहब, रवि भैया हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी सदस्य भी हैं, युवा नेता नहीं बेटे की हैसियत से प्रतिवर्ष सनातन धर्म के प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सेदारी होती है। अब आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने इन छोटे भाइयों का हर्षवर्धन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए सुनिए। भाई कमेटी वालों से निवेदन है, वो भी बड़ा ध्यान से सुने, जिसकी इच्छा हो वो ताली बजाए। एक मिनट बबलू भैया, ये किसका भाई प्रोडक्शन मैनेजर कौन है इस बच्चे का? इस बच्चे का प्रोडक्शन मैनेजर कौन है? ये तीन तीन हाथ उठ रहे हैं, मामला समझ में नहीं आ रहा है। जो भी इस बच्चे का प्रोडक्शन मैनेजर हो इसको अपने सुपुर्द कर ले, वरना जागरण पार्टी वाले ये बच्चे अपने घर ले जाएंगे। ये बात आइए, वो दिल भी कितने अच्छे थे जब हम भी छोटे बच्चे थे, थी उम्र नहीं कोई खास हमारी, दांत दूध के कच्चे थे, वो बचपन के दिन अच्छे थे, वो बचपन के दिन सच्चे थे। आइए सुनिए बड़ी प्यारी। और सरल जी, मैं भी जागरण में जाता हूं और आप भी जगराते में जाते हैं, पूरा इंडिया पूरा भारत हम लोग घूम चुके हैं, और मैंने अक्सर देखा है भाई, कमेटी वाले जरूर सुने, सभी माताएं बहने, भाई कोई भी बात नहीं करेगा, मैंने अक्सर जागरण में देखा है कि जिस जागरण में ये माताएं बहने ना आए, ये छोटी छोटी बेटियां ना आए, तो भी भैया जागरण अधूरा सा होता है। अधूरा सा होता है क्यों? क्योंकि इन बेटियों में ही मां का स्वरूप छिपा होता है, इन बेटियों में ही मां का स्वरूप छिपा होता है। लेकिन कुछ लोग आज ऐसे हैं जो इन बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अरे बेटियां तो हमारे परिवार की शान होती है माता जी, और जिस परिवार में बेटी नहीं होती वो परिवार अधूरा होता है। आइए इन बेटियों के लिए मुझे एक बात याद आई है, अगर कहने जा रहा हूं बेटियों के लिए, अगर अच्छा लगे तो अपनी अपनी बेटियों के लिए, अपनी अपनी बहनों के लिए और अपनी अपनी बीवियों के लिए भी ताली बजाना भाई, ठीक, क्योंकि वो भी तो पराए घर से आती हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं। आइए सुनिए बेटियों के लिए, अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा, सुनिएगा। रंग में रंग डाल कर तस्वीर बना देती हैं, ऐसी होती हैं बेटियां, रंग में रंग डालकर तस्वीर बना देती है और प्यार से प्यार की जंजीर बना देती है। भैया अब केवल इन बेटों का भरोसा मत करना, क्योंकि आजकल ये बेटियां भी तकदीर बना देती हैं, तकदीर बना देती हैं। लेकिन बबलू भैया कहते हैं सबको बेटा चाहिए, तो ये बेटी कहां पे जाएगी?
सबको ये बेटा चाहिए, तो ये बेटी कहाँ पे जाएगी? ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी? दुनिया से जब एक दिन ये बेटियां मिट जाएंगी, तो आपके घर के बेटों की बहुएं कहाँ से आएंगी? आपके घर के बेटों की बहुएं कहाँ से आएंगी? सुनिए भजन, एकदम शांत होकर सुनिएगा। जिनका जिनका आज व्रत था, सबका था ना, तो सुनिए। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु जी को पता चला, किसको पता चला भाई? माताएं बहनें भी बोलेंगी, किसको पता चला? भैया नीचे उतर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उस दिन चिपक गए थे, आज नहीं चिपकेंगे, परेशान मत होइए। उस दिन पानी बहुत बरस रहा था भैया। अभी हमारे बबलू भैया, और ये कॉर्डलेस भी नहीं था, कुछ दिन पहले बबलू भैया हमारे खर्चा होते होते बच गए। पानी बरस रहा था और बबलू भैया जोश जोश में नीचे उतर गए भक्तों की भावना देखने के लिए, और वो उठा के उसने वहां फेंका है कि आधे घंटे तक प्रोग्राम बन रहा। लेकिन आज भैया कॉटलेस है, और सबसे बड़ी बात है ये कमेटी का ही साउंड है। जितनी मेहनत ये कर देगा उतना आपका हमारा साउंड नहीं करेगा। आइए सुनिए बड़ा प्यारा सा भजन। सरल जी बचाने वाली है ये माँ, बोलो सच्चे दरबार की। सुनिए, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु जी को पता चला, किसको पता चला? किसको? विष्णु जी। ये बात, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु जी को पता चला कि चंद्रमा रो रहे हैं। कौन रो रहा है? कौन? आप लोग बोलिए, चंद्रमा। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु जी को पता चला कि चंद्रमा रो रहे हैं, तो भगवान विष्णु चंद्रमा के पास पहुंच गए और चंद्रमा से कहने लगे, क्यों भाई चंद्रमा, मैंने सुना है कि आज तुम रो रहे हो। तो चंद्रमा कहने लगे, हाँ प्रभु आज मैं रो रहा हूं। भगवान कहने लगे, आखिर क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो चंद्रमा कहने लगे, प्रभु सुनिए, जब सूर्य देव निकलते हैं, कौन निकलता है, जब सूर्य देव निकलते हैं तो लोग उनको देखकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु, और जब मैं निकलता हूं तो लोग सो जाते हैं। अरे प्रभु ये कहां का इंसाफ है, अरे मेरी भी इच्छा होती कि मैं भी कभी सोऊं, लेकिन प्रभु मैं कभी सो नहीं पाता। तो आइए अपनी शिकायत भगवान से क्या कर रहे हैं चंद्रमा, आइए सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। एक दिन चंदा नील गगन में, कौन चंदा? एक दिन चंदा नील गगन में बैठे सोचे अपने मन में, जरा सी बात में सब सोए, मैं क्यों जागूं रात में, हाय सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। तो आइए यहां से भजन शुरू होता है, और जैसा कि हमारे सरल जी ने बताया कि आखिर चंद्रमा ही क्यों पूजे जाते हैं, आइए सुनिएगा। एक दिन चंदा नील गगन में बैठ सोचे अपने मन में, एक दिन चंदा नील गगन में बैठ सोचे अपने मन में, जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, आए सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, आए सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। एक दिन चंदा नील गगन में बैठ सोचे अपने मन में, एक दिन चंदा नील गगन में बैठ सोचे अपने मन में, जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, आए सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। एक दिन चंदा नील गगन में, काली
पहली शिकायत सुनिए क्या कर रहे हैं। चांदी जैसी रंगत मेरी अंग का रंग सुनहरा। प्रभु चांदी के समान मेरी रंगत है, चांदी के समान मेरी रंगत है, और जब मैं चांदनी रात में निकलता हूं तो सोना भी देखकर मुझको शर्मा जाता है। प्रभु फिर आपने मुझको ऐसी सजा क्यों दी, क्या कहने लगे आइए सुनिएगा। चांदी जैसी रंगत मेरी अंग का रंग सुनहरा, मैं हूं अकेला फिर भी लाखों तारों का है पहरा। मैं हूं अकेला फिर भी लाखों तारों का है पहरा। प्रभु मैं अकेला नील गगन में और हजारों लाखों तारे मुझे घेर के खड़े हैं कि कहीं मैं भाग ना जाऊं। अरे प्रभु मैं भाग कर कहां जाऊंगा, क्या कहने लगे आइए सुनिएगा। चांदी जैसी रंगत मेरी अंग का रंग सुनहरा, मैं हूं अकेला फिर भी लाखों तारों का है पहरा। मैं हूं अकेला फिर भी लाखों तारों का है पहरा। चंद सुधारस सोना परसे, चंद्रमा विष्णु जी से बोले। चंद सुधारस सोना परसे, चंद्रमा विष्णु जी से बोले। जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों, याद हो गया होगा सब सोए मैं क्यों। ये बात अब मिलकर मीठी मीठी तानियां, एक दो तीन ये चार। दूसरी शिकायत, लक्ष्मी मेरी सगी बहन है घर घर पूजी जाते। दीपावली आ रही है भगवान, प्रभु लोग मेरी बहन की पूजा करेंगे लेकिन मुझको कोई नहीं पूजता है। प्रभु मुझे कोई नहीं पूजता है, ये कहां का इंसाफ है आइए सुनिएगा। लक्ष्मी मेरी सगी बहन है घर घर पूजी जाते, मेरी कोई फिकर न करता वो माता कहलाती। मेरी कोई फिकर न करता वो माता कहलाती। चंद सुधारस सोना बरसे, चंद्रमा विष्णु जी से बोले। चंद सुधारस सोना बरसे, चंद्रमा विष्णु जी से बोले। जरा सी बात में सब सोए मैं क्यों, सब सोए मैं जागू। जब इतनी सारी शिकायत भगवान विष्णु जी ने सुनी तो भगवान खुद कहने लगे कि आज मुझे पता चला चंद्रमा तुम कितनी दिक्कत झेल रहे हो, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। यह विधि का विधान है, जो एक बार लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। तो आइए अब मैं जा रहा हूं लेकिन जाते जाते तुमको एक वरदान दे के जा रहा हूं। अब वो क्या वरदान दिया आइए सुनिएगा। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा, बंद करो हंगामा। बाजी बाव, अब जहां से मैं छोड़ूंगा वहां से आप लोग बोलेंगे, ठीक है, अपने आप बोलेंगे, ये मेरा दावा है, आइए सुनिएगा। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा, बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा। लेट हो गए आप लोग, ठीक है, जहां से मैं छोड़ू तुरंत आपको बोलना है। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा, बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी। फिर लेट हो गए, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा।
अब दूसरा क्या वरदान दिया आइए सुनिएगा। ठीक, विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, आज से सारे दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, करवा चौथ में पूजे जाओ, हाथ उड़ाओ हाथ उड़ाकर तालियां, करवा चौथ में पूजे जाओ घर घर में खुशहाली लाओ, करवा चौथ में पूजे जाओ घर घर में खुशहाली लाओ, सुनो चंद्रमा। जब इतने सारे वरदान मिल गए तो चंद्रमा बड़े प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तो कहने लगे प्रभु सुनिए, सब सोए मैं जागूंगा रात में हाय, 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 सब सोए जागूंगा। अब क्या करेंगे, ये ताली है, अगर अच्छा लगा है दोनों हाथों को उठा के मेरी माँ के लिए ताली बजाइए। ये बात बोलो दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए भाई, ये अच्छी तालियां नहीं थी, मैं चाहूंगा